वेलकम डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजाइनर डेन में। आज हम लोग एएमएस फॉन्ट को जानेंगे। एएमएस फॉन्ट सबसे पहले इसके बारे में जान जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इंडिया फॉन्ट का एक सॉफ्टवेयर खरीदा हुआ है। इसके अंदर मुझे मिला था एएमएस फॉन्ट। अभी एएमएस फॉन्ट आप लोगों के पास भी होता है, बट मैक्सिमम लोगों को दिक्कत आता है कोरल ड्रॉ में हम लोग कैसे टाइप करें। तो सबसे पहले जैसे कि इसको मैंने चालू किया, देखो आर्टो मीडिया स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड, ए से ए एम एस मिल गया ना, इसी कंपनी का है भाई एएमएस फॉन्ट। अब इसमें आपको कई सारे फॉन्ट के पैकेजेस होते हैं, तो ये है वो सॉफ्टवेयर। लेकिन हम लोग यहाँ नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कोरल ड्रॉ का यूजर हैं। हम लोग कोरल ड्रॉ में यूज करेंगे एएमएस फॉन्ट का। और मैं आपको बता दूंगा कि अगर कोरल ड्रॉ में नहीं यूज कर रहे हो, अलग अदर जगह कर रहे हो, तो कैसे होगा। सिंपल है और उसका मैंने सॉल्यूशन भी लेकर के आया है इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग कोरल ड्रॉ को खोल लेते हैं और यहाँ पर हम लोग एक जूम करके एक टेक्स्ट लिखते हैं कोई सा भी। टेक्स्ट कैसे लिखेंगे, जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ लिखते हैं, तो ये तो हमारा इंडिया एरियल फॉन्ट है, जो कि इंग्लिश वाले फॉन्ट होते हैं। अभी एएमएस फॉन्ट, सपोज यहाँ एएमएस लखन 2 है, अगर हम लोग यहाँ टाइप कर दें वो एएमएस, तो एएमएस का बहुत सारा फॉन्ट आ जाएगा यहाँ नीचे की ओर। तो यहाँ देख लो एएमएस अलग अलग है फॉन्ट, कई सारे हैं। तो एक अच्छा सा फॉन्ट चुन लेते हैं कोई सा भी, जो कि अच्छा लगे दिखने में। यार ये भी चुनने में समय ही लगने वाला है, तो एक कोई सा भी फॉन्ट हम लोग चुन लिए हैं यहाँ। ओके, तो इसको हम लोग बड़ा कर देते हैं। ओके, तो ये है छत्रपति, एएमएस छत्रपति, ये वाला फॉन्ट। तो अभी इस फॉन्ट को हम लोग लिखने वाले हैं, सपोज यहाँ पर लिखने वाले हैं, तो हम लोग टाइप कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड में क्या है, मतलब ये कीबोर्ड जो हमारे सामने है उसमें हमारा किस अक्षर में क्या है। तो इसके लिए हमने एएमएस का जो आप लोग अगर सॉफ्टवेयर नहीं है आपके पास किसी के पास, या फिर सॉफ्टवेयर नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके पास ऐसा हो सकता है कि उनके हेल्प के लिए, मतलब टाइपिंग हेल्प के लिए, हमने कीबोर्ड की तरह एक लेआउट बनाया है। मैंने बनाया है इसे, और कुछ मैंने यहाँ एक स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है जो कि इंडिया फॉन्ट सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि अल्ट के साथ अगर आप नंबर कीज 1 2 3 होते हैं इस तरीके से अगर आप यूज करते हैं, जैसे 1 3 अल्ट के साथ 18 लिख दोगे तो ये वाला अक्षर रुकेगा, अल्ट के साथ 17 लिख दोगे तो ये वाला अक्षर रुकेगा, ओम लिखना है या फिर यहाँ अलग अलग अक्षर है वो सब लिखना है तो अल्ट के साथ लिखना है। लेकिन हमारे लैपटॉप में वो वाले कीबोर्ड नहीं है, उतना नंबर कीपैड नहीं है, इसलिए मैं ये वाला सेक्शन अभी नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दिया अल्ट के साथ नंबर कीपैड यूज करेंगे। अब रही बात हमारा जो यहाँ पे दिख रहा है, ये तो एज इट इज हमारा कीबोर्ड में, जैसे क्यू में ह्रस्व ई, ये वाला ई मिल जाएगा, जो फेड किया हुआ है वो वाला मत देखिएगा, जैसे ई से कौन ही लिखा जाएगा, आई कर लिखा जाएगा, ए कर लिखा जाएगा। अब क लिखने के लिए यहाँ है, को लिखने के लिए के है आपको, और इसको ये बहुत ज्यादा इजी है। मैंने कृतिदेव फॉन्ट या फिर भारतीय फॉन्ट के लिए भी एक कीबोर्ड लेआउट पहले से ही बनाया हुआ है। अगर उसमें आपको अगर कहीं दिक्कत आ रहा है कि उसमें भी मुझे चाहिए इस तरह का लेआउट, तो पहले से उपलब्ध है, आप उसको रिक्वेस्ट करेंगे कमेंट में, तो मैं आपको उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी हमारे डिजाइनर डेन के वेबसाइट में उपलब्ध है। अभी एएमएस फॉन्ट के लिए जो ये मैंने बनाया है, इससे एएमएस फॉन्ट को भी हेल्प मिल जाएगा, ताकि बहुत लोगों को कीबोर्ड के हिसाब से समझना है तो इस तरीके से कर लेगा। तो ये सेक्शन में हमने कुछ लंबा देर तक बात कर लिया, चलो हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे लिखना है, मुझे लिखना है राम, ओके, या फिर हाँ राम लिखते हैं। आर से र होता है, ए से आकर का मात्रा लगता है, एम से मो होता है। अब फिर से इसको कंप्लीट करने के लिए ए लगाना होगा, आकर का मात्रा, इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे लिखना है सौ लिखना है, तो एस से सौ होता है, लेकिन फिर भी इनकम्प्लीट है तो ए लगाना है, और शिफ्ट के साथ ए दबाओगे तो ओ लिखा जाएगा। ओके, ये वाला ओ। तो अभी ये मैं कैसे जाना, यहां आप देख सकते हो मैंने जो ये फॉर्मेट बनाया है, शिफ्ट के साथ ऊपर वाले अक्षर को लिखने के लिए शिफ्ट दबाए रखो और
ऊपर वाला अक्षर लिखा लिखा जाएगा, शिफ्ट दबाकर लिखने से ऊपर वाला अक्षर। अगर शिफ्ट के बिना लिखोगे, सिंपली आर टाइप करोगे तो आर लिखाएगा, रॉ लिखाएगा। अभी मुझे अगर शिफ्ट के साथ फिर से मैं शिफ्ट दबाए हुए हूँ, फिर से आर लिख रहा हूँ, ओ देखिए री लिखा गया, अब मैं शिफ्ट छोड़ देता हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ बिना शिफ्ट का सिर्फ आर दबा रहा हूँ, रॉ लिखा जाएगा। इस तरीके से आप टाइपिंग करते हो। ये है AMS फॉन्ट का टाइपिंग, और ये हुआ मैं हमारा कीबोर्ड का लेआउट, जो कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और डिजाइनर डेन से डाउनलोड कर लेना आप। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंडिया फॉन्ट को इस्तेमाल कर रहे हो तो मैं पायरेसी को ये नहीं करता हूँ, प्रमोट नहीं करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रेगुलर या जेन्युइन ऑथर के पास अपना फॉन्ट खरीदें, ताकि उनका सपोर्ट आपको मिलता रहे। जैसे सपोज अभी ये वाला दिक्कत आ रहा है मुझे, तो उसके लिए अगर मैं AMS फॉन्ट के जो इंडिया फॉन्ट के जो कस्टमर सर्विस से मैं बात करूंगा, तो वो मेरा हेल्प किए करेगा, क्योंकि मैंने खरीदा है। तो इस तरीके से मैं उस फॉन्ट को मैं यहाँ भी इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। अभी चलिए, अभी कुछ ऐसा सिस्टम है, कोरल ड्रॉ वाले के लिए ये गिफ्ट है भाई। तो अभी मैं जैसे कि कुछ ऐसा वर्ड लिखना चाहता हूँ जो यहाँ पर कीबोर्ड में नहीं है और मुश्किल पड़ रहा है, और अल्ट की भी नहीं है हमारे पास फिलहाल मेरे के लैपटॉप में। तो यहाँ एक इंसर्ट कैरेक्टर वाला टैब खोल लेना। अभी इंसर्ट कैरेक्टर कहाँ मिलेगा, यहाँ टेक्स्ट में जाना, यहाँ इंसर्ट कैरेक्टर वाला में चले जाना, कंट्रोल के साथ F11 से आ जाता है। अगर दोबारा क्लिक करोगे तो वो चला जाएगा यहाँ से। फिर टेक्स्ट में जाना, और फिर टेक्स्ट के मेन्यू में जा करके यहाँ एक ऑप्शन होता है जिसका नाम है इंसर्ट कैरेक्टर। ओके, इंसर्ट कैरेक्टर किया, यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे आप अपना इंडिया फॉन्ट जो भी आप यहाँ यूज कर रहे हो, जैसे AMS छत्रपति मैं यूज कर रहा हूँ, तो AMS छत्रपति मैं ले लूंगा। यहाँ देखिए दिख गया, या नहीं तो यहाँ पर आप सर्च कर लेना, मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे आपको जो भी चीजें होगा उसको आप सेलेक्ट कर लेना, अपना फॉन्ट सेलेक्ट करना, जो फॉन्ट आप यूज करोगे यहाँ पे ले लेना। एंड देन आप देखोगे कि यहाँ पे जो भी अलग अलग लिखा हुआ हो सकता है, आप इंटायर फॉन्ट कर लेना, सारा फॉन्ट आना चाहिए। ओके, करेंसी वरेंसी सब कुछ। तो यहाँ पे आपको पूरा सेट, कैरेक्टर सेट मिल जाएगा, और आप आसानी से यहाँ पर लिख पाओगे। जैसे ओम लिखना अगर आपके लिए दिक्कत था, तो अब आप लिख सकते हो। जैसे गुरुद्वारा लिखना है, द्वार लिखना है, तो उस चीज को लिखने के लिए यहाँ पर देखिए द्वार है। ओके ओके, अब हम लिख पाएंगे इस तरीके से। और लास्ट का एंडिंग इसके लिए फिलहाल मुझे यहाँ पता नहीं है, ये वो जो लगाते हैं लास्ट में ये लाइंस के स्टाइल्स, इसमें मुझे नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कुछ ऐसे आप ट्राई करना, अगर कुछ मिल जाए आपको तो अच्छी बात है। तो कोरल ड्रॉ में इतना। ओके, कोरल ड्रॉ में यहाँ की स्ट्रोक भी मिल जा रहे हैं आपको, कोरल ड्रॉ में ये की स्ट्रोक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये बेहतरीन है और अच्छा है। हो सकता है कि आपको अलग अलग फॉन्ट स्टाइल में अलग अलग आपको की स्ट्रोक मिल जाए। अनुलोम विलोम जो होता है वो सब होता है, जैसे कि मैं इंडिया फॉन्ट यूज कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा इंडिया फॉन्ट में खोल लेता हूँ, आपको इसमें भी दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह की स्टाइल्स हम लोग जो बनाते हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। तो फिलहाल मैं एक पेज ले लेता हूँ सादा सा इंडिया फॉन्ट के सॉफ्टवेयर में, एंड यहाँ भी हम लिख सकते हैं। अभी टेक्स्ट टूल ले लेते हैं यहाँ से, और हम यहाँ लिखते हैं, जैसे मैं अपना डिजाइनर डेन लिखना चाहता हूँ, तो पहले हर्षिकार लिखने के लिए आई है, EANN से ना, डिजाइनर डेन। इस तरीके से हमने डिजाइनर डेन क्रिएट किया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, स्टाइलिश फॉन्ट मिल गया हमें। अब जब आप लिख लेते हो ना, यहाँ से आप अपना अलग अलग फॉन्ट में जाओ और देखो कौन सा आपको बेहतरीन लगता है, आपके अकॉर्डिंग आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ कई सारे फॉन्ट मिलते हैं आपको, जब आप अपना प्लान के अकॉर्डिंग आपके आप रजिस्टर्ड होते हो, आपको आईडी होता है आपका, एंड आप यूज करोगे तो आप जान जाओगे। चलो भाई, तो मैं इसको ही लेता हूँ, और लास्ट में यहाँ पे कुछ लगाना चाहता हूँ लास्ट का। ये जैसे कि विलोम है, इसको लगा दिया मैंने, डबल लगा दिया क्या। अब अनुलोम लगाना चाहता हूँ यहाँ पे, शुरू के टाइम में यहाँ पे ले आता हूँ, और अनुलोम लगाना चाहता हूँ, ये डबल फिर से मैंने लगा दिया। चलो इस तरीके से मैंने लगा दिया। अभी इसमें आकर जो है ये, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं। देखिए नीचे
कितना सारा स्टाइल आता है। ये होता है अगर आप इंडिया फॉन्ट को यूज़ कर रहे हो वहाँ से। तब अभी कोरल ड्रॉ में मुझे ये चीज़ें नहीं मिल पा रहा था, जैसे रॉ लिखना है, रॉ को कौन कौन सा अलग अलग स्टाइल में आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं इस स्टाइल में लिख सकता हूँ, इस स्टाइल में लिख सकता हूँ, इस स्टाइल में लिख सकता हूँ, अलग अलग स्टाइल है। तो इस तरीके से डिज़ाइनर डेन हमने लिखा, और आप इसको और भी तरीके से सजा सकते हो, जैसे एक आर के लिए कौन सा हो सकता है, जैसे ड है, ड के लिए है, और एक आर के लिए, हाँ एक आर के लिए मिल गया यहाँ पे डिज़ाइनर डेन। ओके, तो अगर आप इंडिया फॉन्ट यूज़ करते हो तो अपने आप जान जाओगे। तो इसको जब भी हम लोग सेव करते हैं, अगर यहाँ से सेव करते हैं ना, कंट्रोल एस या सेव एज या सेव करेंगे, तो ये इंडिया फॉन्ट का फाइल में सेव होगा, इंडिया फॉन्ट का अपना फाइल बनेगा। लेकिन हमें करना है कोरल ड्रॉ में यूज, तो हम इसे क्या करेंगे, पीएनजी बना लेंगे या तो एसवीजी बना लेंगे। ओके, या तो हम पीडीएफ बना सकते हैं, तो एक्सपोर्ट जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, एसवीजी, बहुत सारा है। तो हम लोग पीडीएफ, पीडीएफ नहीं, एसवीजी बना लेते हैं, एसवीजी बना लेंगे। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हम एक ऐसे ही करके रख दिया, ए लिख करके, और हमारा डॉक्यूमेंट्स वाला फोल्डर में अभी वो वाला फाइल है डिजाइनर डेन वाला। हम अपने कंप्यूटर में जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे कहीं, हाँ ये वाला एसवीजी फाइल है ये, इसको उठाते हैं, अपना कोरल ड्रॉ में लेकर जाते हैं और यहाँ रखते हैं। इम्पोर्ट करने का बहुत सारा तरीका है, आप कोई भी तरीका के यूज़ कर सकते हैं। एसवीजी करने का मेरा अर्थात मतलब ये था कि देखिए ये एक तरह से इसका मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, एसवीजी इसलिए किया था, अगर पीएनजी करता तो मुझे कलर नहीं चेंज कर पाता। अब इसको छोटा बड़ा भी करूंगा तो इसका क्वालिटी खराब नहीं होगा, इसलिए मैंने एसवीजी किया था। और एसवीजी करने का और भी फायदा हुआ मुझे कि मैं इसको अगर यहाँ पर से कन्वर्ट टू कर्व कर सकता हूँ, पहले अनग्रुप कर सकता हूँ, अनग्रुप करने के बाद हम इसको इस तरीके से, और फिर से कंट्रोल यू, अनग्रुप, अनग्रुप ही है। ओके, और कन्वर्ट टू कर्व कर सकते हैं, कंट्रोल क्यू से कन्वर्ट टू कर्व हो गया ये। तो एक एक कर्व को हम लोग अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, और इस पे और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और अगर कोरल ड्रॉ में आप इंडिया फॉन्ट और कोरल ड्रॉ दोनों का इस्तेमाल करके आप एक कैलीग्राफिक टेक्स्ट बनाते हो ना, तो उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। ओके, तो मेरे इस वीडियो में मैं बस आपको इंडिया फॉन्ट, एएमएस फॉन्ट के बारे में बता रहा था। मैं सिर्फ इस वीडियो का मेरा मेन पर्पस था आपको टाइपिंग बताने का, और टाइपिंग में खास करके मेरे द्वारा बनाया गया यह कीबोर्ड का लेआउट आपको दिखाने का मेरा मेन पर्पस था। आप हमारे वेबसाइट designerden.in में विजिट करके अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हो, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स, कोरल ड्रॉ के प्रोजेक्ट्स आप डाउनलोड कर, तो वहां से आप ले सकते हो। और ये भी फाइल मैं आपको दे दूंगा, ओके, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, आपने लास्ट तक देखा, और हमें आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो सक्सेसफुल या फिर सही लगा तो लाइक कीजिएगा, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए हमें बताइएगा, ताकि मुझे एक आइडिया रहे कि मेरे यूजर्स को क्या चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आपका सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।